गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है संडे और सुबह के 7:30 या 7:45 हो रहे होंगे और मैं यहाँ पे अपने ड्यूटी में लग गई हूँ। डाइनिंग टेबल पे बहुत सारे काम लगे हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो ग्लास व्लास है तो मैंने सोचा कि चलो इसको हटा देती हूँ। और बच्चे उठ गए हैं लेकिन गुनगुन अभी नहीं उठी है तो उसे मुझे थोड़ा सा उठाना पड़ता है तब जाके उठती है। और यहाँ पे गुनगुन उठ जा बेटा, गुड मॉर्निंग गुनगुन, ऐ लड़की गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। काफी देर के बाद मिल रही हूँ। अभी मैं जस्ट नहा वहा के आई हूँ किचन में और फटाफट नाश्ते की तैयारी। हेलो बोल दो। हेलो। संडे के दिन दरअसल क्या होता है ना, बहुत सारे काम हो जाते हैं तो पहले मैंने सोचा कि चलो बच्चों को पहले मतलब नहला देती हूँ क्योंकि संडे के संडे मैं खुद नहलाती हूँ लोगों को। वैसे तो मतलब जैसे तैसे नहा लेते हैं पर संडे के दिन मेरी ड्यूटी ही है कि लोगों को नहलाना रहता है। और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए, काफी लेट हो चुके हैं, 9:45 हो रहे हैं और नाश्ता बनाऊंगी साथ साथ खाना भी बनाती रहूंगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो और अभी मैंने घी मैं बनाई थी तो मेरे पास घी खत्म हो गया था तो मैंने उसको चढ़ा रखा है, बस होने वाली है वो। तो चलिए फिर अभी ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि काफी लेट हो चुका है और सारे लोग इंतजार में है नाश्ते के लिए। और नाश्ते में बना रही हूँ सत्तू का पराठा और आलू का पराठा दोनों, क्योंकि सत्तू का पराठा बच्चों के लिए बना रही हूँ, आलू का पराठा इनके लिए बना रही हूँ। तो पराठा में इनमें मैं घी वो नहीं लगाऊंगी बिल्कुल। और मैंने आलू की पिट्ठी तैयार कर रखी है सिर्फ नमक डाल के और कुछ नहीं, तो बस उनके लिए दो पराठा बनाऊंगी और सबके लिए सत्तू का पराठा। तो चलिए फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे मैं नाश्ते के लिए आटा लगा रही हूँ और यहाँ पे देखिए कढ़ाई में घी भी बन रहा है। साथ साथ मैंने सोचा कि सारे काम निपटा देती हूँ और सबसे पहले मैं आलू का पराठा बना के दूंगी इनको, उसके बाद बच्चों की बारी आती है। तो यहाँ पे मैं सत्तू का पराठा साथ साथ सारे कामों को जल्दी जल्दी करती हूँ और मेरे अंदर एक आदत है शुरू से ही कि मैं सारे कामों को फटाफट निपटाती हूँ। और 3-4 मतलब पराठों की पिट्ठी बना के मैंने रख दी थी तो ऐसा होता है ना कि तवा जब गर्म हो जाती है तो फिर मतलब बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे ही है बस, सारे लोगों में सारे बच्चे खड़े हैं और ये भी खड़े जस्ट नहा के आए हुए हैं तो कुछ कर रहे थे तो मैंने बोला कि बाकी तुम निकाल लो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं और ये देखिए सत्तू के पराठे बहुत अच्छे अच्छे बन के रेडी हो चुके थे। तो देखते लायक नहीं हुआ है क्योंकि बहुत चारों तरफ बिखरा पड़ा है। अभी मैं चाय चढ़ाई हूँ और एक सत्तू का पराठा और चाय लूंगी, भाभी को भी मैंने दे दिया है और बहुत सारे काम बिखरे हुए हैं। ऊपर के जो भी नीचे के काम है सब हो चुके हैं, डस्टिंग वस्टिंग। आज पता है संडे था ना तो बहुत थोड़ा सा बाथरूम वाथरूम क्लीन करना, ये सब धोना वरना बाल में धोई हूँ, कंघी भी नहीं की हूँ, इसी तरह घूम रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, सूख जाएगा। और अभी पहले नाश्ता कर लेती हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए हम और भाभी नाश्ता लेकर बैठ चुके हैं, यहाँ पे भाभी के रूम में हूँ और यहाँ पे देखिए चाय और पराठा। तो चलिए आप लोग भी खाइए। अभी मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि कपड़े लगाई हूँ धोने के लिए और नाश्ता वास सबका हो गया तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े निकाल देती हूँ उसके बाद किचन में जाऊँगी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। यार किचन 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 एकदम आजकल जब देखो तो किचन, सांस लो तो किचन में, उठो तो किचन में, बैठो तो किचन में, बहुत प्रॉब्लम है। और अभी कुछ कपड़े पता है मात हुई हैं, चादर वादर जैसे कि उनका था निकला हुआ तो मैंने बोला कि मैं लगा देती हूँ तो बोले नहीं यार तुम कितना करो कि मैं धो के निकाल देती हूँ। तो वो धो के डाल दी, सूख भी गया, घर में चला भी गया। तो अभी जस्ट मैं निकालने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और पता है बहुत ऐसे काम है ना जो मैं कल रात को ही निपटा लेती हूँ क्योंकि चादर वादर मुझे चेंज करना था और सोफे का कवर सारी चीजों को मतलब चेंज करना बहुत दिन हो गए थे, गंदे हो गए थे तो मैं कल शाम को ही सारा चीज चेंज कर दी थी, सोफे का कवर और यहाँ पे दीवान का कवर, ये सब जो भी था कल ही मैंने चेंज करके और धो के उसको जहाँ रखना था लगा दिया मैंने। और बहुत पता है धूल आजकल पता है इतना ज्यादा हवा चल रही है ना कि पूछो मत एकदम। और बच्चे बैठते हैं यहाँ पे तो मतलब सारी चीजें थोड़ी सी साफ सफाई भी ध्यान देनी पड़ती है और धूप तो कैसा ऐसे हो रखा है ना, इससे धूप में जाने के बाद समझ में आ रहा है। और चलते फिरते मैं कुछ बहुत सारे काम निपटा चुकी हूँ अपना किचन का, बस एक सब्जी बनानी बाकी है और चलने को भी बंद करके। सुबह से पता है मैं इस रूम में आई नहीं थी, बच्चे हैं ये बोला कि मम्मी मैंने सारा ठीक कर लिया है, वैसे तो वो देखिए ज्यादा ठीक किया है लेकिन बच्चे हैं जितना होता है वो कर ही लेते हैं। और सबके रूम में कूलर लग चुकी है लेकिन भाभी और माँ के रूम में एसी स्टार्ट हो चुका है क्योंकि उन लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है।
बोला चलो ठीक है भाई। माँ बोली तुम भी कर लो, तुमको भी गर्मी लग जाएगी। हम बोले अरे चलो माँ, घूमते घूमते कोई गर्मी नहीं लगती है। मैं खा रही हूँ गुड़ और एक गिलास पानी, क्योंकि बहुत तेज प्यास लगी। अब मेरे घर में पता है आदत सी हो गई सबको गुड़ खाने की, और मेरे यहाँ ना चीनी से ज्यादा गुड़ के खर्चे हैं। चाय का गुड़ मतलब चाय में ये तो ज्यादातर गुड़ ही खाते हैं, और यहाँ पे देखिए गंगा डब्बे लेके घूम रही है गुड़ की, क्योंकि अभी भैया आए हैं ऑफिस से, तो अभी जस्ट मैं चावल चढ़ाई हूँ। खाना वाना तो सबका मतलब बना दी हूँ, उसके बाद अभी चावल चढ़ाई हूँ और मेरे यहाँ बैठ जाती हूँ बड़े बड़े गिलास पानी पीऊंगी। इतना बड़ा बड़ा गिलास पता है मैं जानबूझ के लेकर आई थी, क्योंकि गर्मी में ना छोटे वाले गिलास से पानी पीना होता नहीं है, और आराम से मतलब एक साथ लो तो अच्छे से पी लूँ, तो भी खा के बनती हूँ आप लोगों से। छोटे रूम में बैठती हूँ। दरअसल पता है मैं अभी गई थी बाहर, बाहर कुछ माँ का काम था तो इस वजह से मुझे जाना पड़ा। मैं और माँ गए थे, माँ मतलब गाड़ी से बाहर नहीं निकली थी, तो कुछ काम था उनका, कुछ मतलब वो लेना था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा, मेरा भी एक दुख को काम था, तो मैंने बोला कि आज कर ही लेते हैं, काफी दिन हो गए थे, लेकिन जाने का कोई फायदा भी नहीं हुआ, एक काम हुआ बाकी सारे काम पेंडिंग रह गए, तो फिर कभी अब लॉकडाउन खुलने के बाद ही जाऊंगी। उठाती नहीं है क्योंकि मना करते हैं कि उठाना, मतलब ऐसी अच्छी भी बात है तो ऐसे नींद पूरी हो जाती है, तो फिर और नींद बहुत दूर जाती है, ये भी बात है। तो अभी किचन क्लीन करके उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि किचन पूरा बिखरा पड़ा है सारी सब्जियों को, थोड़ा सा जो बचा है रखूंगी फ्रिज में, नहीं तो गर्मी तो पड़ने लग रही है। साफ कर दिया और अब थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, और अभी हो रहे हैं 3:30। गुनगुन को तो पूछो मत बड़ी मम्मी के रूम में, क्योंकि एसी चल रहा है उनके रूम में, मैं अपने रूम में अभी नहीं चलाई हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि चलाना पड़ेगा बच्चों के लिए, तो देखती हूँ क्या होता है। सुबह से पता है उठने के बाद 1 सेकंड का चैन नहीं रहता यार, दिन भर ये वो ऐसे वैसे एकदम मतलब पूछो मत, दिन भर की भागा दौड़ी हो ही जाती है, और शाम हो गए कब चाय का टाइम हो जाएगा वो भी पता नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और बहुत एक तरह से अच्छा भी है, रूटीन में है सब मतलब रूटीन में सब शामिल है, तो करने में समझ भी नहीं आता है और चला भी जाता है, टाइम पास भी हो जाता है। लॉकडाउन में कोई करे तो क्या करे। और पता है आजकल ना मेरे चेहरे पे दाने दाने बहुत सारे हो रखे हैं, ऐसा गर्मी की वजह से हो रहा है या फिर जो भी, क्या करें समझ भी नहीं आ रहा है। तो चलिए आप लोगों से इजाज़त लेने की टाइम आ चुकी है, और सुबह से ही मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है ना, अक्सर मैं जब स्टार्ट कर देती हूँ तो वो ख़त्म हो जाता है, अगर नहीं करती हूँ तो प्रॉब्लम होने लगती है, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि सुबह से स्टार्ट कर लूँ, और देखती हूँ कि YT पे कितने दिनों तक रह सकती हूँ। आजकल मैंने एक चीज़ देखा है, बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि नए नए यूट्यूब पे आए हुए हैं, नए नए मतलब कुछ दिन हुए हैं उनको, तो वो लोग मतलब जैसे बड़े यूट्यूबरों के नाम या फिर थंबनेल डाल के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं होता है यार। लेकिन आज तो अगर आपको सब बोल रहा है कि बहुत अच्छा है, आपका चैनल ग्रो कर रहा है या फिर जो भी, लेकिन कल वही लोग बोलेंगे कि आप किसी के नाम के सहारे से आगे बढ़े हो,
तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने दम पे आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं अपने मतलब बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि अपने दम पे आगे बढ़ो, जो भी है अपनी मतलब काबिलियत होनी चाहिए। तो देखती हूँ कितने अपने दम तक आगे जा सकती हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करें तो ज़रूर जाऊँगी और पक्का आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।